नजर हेडलाइंस पर। माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा ककोला जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं का किया जाएगा शुभारंभ। माननीय मुख्यमंत्री ने पेरिस ओलंपिक 2024 की शूटिंग प्रतियोगिता देश के लिए कांस्य पदक जीतने पर श्री स्वप्निल कुसाले को दी हार्दिक बधाई। खराब मौसम में वज्रपात से हो रही जनक्षति को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री की अपील, सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। अब खबर विस्तार से। सूबे में पर्यटक क्षेत्र के विस्तार हेतु राज्य सरकार द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के तत्वावधान में दिनांक 3 अगस्त 2024 को नवादा जिला स्थित ककोला जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं का शुभारंभ किया जाएगा। मालूम हो कि जन सुविधाएं अंतर्गत प्राकृतिक पुल, पर्यटक सूचना केंद्र, फूड कोर्ट, चौपाटी, चिल्ड्रन पार्क, 18 शौचालय, चेंजिंग रूम, क्लॉक रूम, प्राथमिक उपचार केंद्र, वन विश्राम गृह एवं पार्किंग की सुविधा सम्मिलित है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पेरिस ओलंपिक 2024 की शूटिंग प्रतियोगिता के मेंस 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन में देश के लिए कांस्य पदक जीतने पर श्री स्वप्निल कुसाले को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री स्वप्निल कुसाले ने कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के बल पर यह उपलब्धि हासिल की है, यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पिछले 24 घंटे में गया और नालंदा जिले में वज्रपात से 7 लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना जताई। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि आपदा की इस घड़ी में वह प्रभावित परिवारों के साथ है। मुख्यमंत्री ने अविलंब मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिए। मालूम हो कि वज्रपात से गया जिला में 5 एवं नालंदा जिला में 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझाव का अनुपालन करें। उन्होंने कहा कि खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जयपुर के एक घर के बेसमेंट में पानी जमा होने से बिहार के 3 लोगों की डूबकर मृत्यु पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है। उन्होंने स्थानीय आयुक्त नई दिल्ली को राजस्थान सरकार से समन्वय स्थापित कर घटना की विस्तृत जानकारी लेकर अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के निकटतम आश्रितों को 2-2 लाख रुपए दिए जाने के निर्देश दिए। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति तथा वायु प्रदूषण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा पटना शहर के परिवेशीय वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी स्टेक होल्डर्स की सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। बक्सर के जिलाधिकारी श्री अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में PMEGP, PMEGP 2 एवं PMFME योजना अंतर्गत ऋण स्वीकृति एवं वितरण कैंप का आयोजन समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में की गई है। उक्त अवसर पर अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी श्री रिचि पांडे द्वारा परिहार प्रखंड अंतर्गत परिहार दक्षिणी पंचायत में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा संस्थापित पानी टंकी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने टंकी द्वारा जलापूर्ति के बारे में जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नालंदा के जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर द्वारा भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बेन प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हर घर नल का जल योजना एवं पेयजल आपूर्ति योजना का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त अवसर पर अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सारण के जिलाधिकारी श्री अमन समीर की पहल में छपरा में पूर्व से निर्मित भवन में सारण पुस्तकालय का शुभारंभ हुआ। उक्त अवसर पर उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के अध्ययन के लिए पुस्तकें एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। इस पुस्तकालय को CSR के तहत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विकसित किया गया है। जहानाबाद की जिलाधिकारी श्रीमती अलंकृता पांडे ने जिला सृजन दिवस के पावन अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं कारगिल चौक पर
वीर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर उन्होंने अन्य पदाधिकारियों के साथ वृक्षारोपण किया।